हाल ही में 24 फरवरी 2023 को दिल्ली की नागरिक निकाय बैठक में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच भारी हंगामा हुआ। लोग एक दूसरे के बाल खींच रहे थे, पानी की बोतलें और तरह तरह के सामान फेंक रहे थे। बहुत बड़ी झड़प हुई थी। सुरक्षा कर्मियों ने हस्तक्षेप के बावजूद लड़ाई जारी रही। इस हंगामे के बाद दिल्ली में एक और संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। उप मुख्यमंत्री ने नई शराब नीति की घोषणा की थी, जिसके कारण दिल्ली में कई नई शराब की दुकानें खुल गई थी। कई लोग नीति को लेकर संशय में थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और उनके डेप्यूटी मनीष सिसोदिया है, जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चुनाव की सफलता का श्रेय सत्येंद्र जैन को दिया जाता है। हालांकि जब जैन को मनी लॉन्डरिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया तो सिसोदिया ने उनका पूरा पोर्टफोलियो अपने हाथों में ले लिया। वह इस विशाल पोर्टफोलियो के प्रभारी थे। आम आदमी पार्टी कैबिनेट के साथ सभी मंत्रियों में से सिसोदिया के पास सबसे बड़ा पोर्टफोलियो था। उन्हें शराब योजना में अनियमितता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सिसोदिया ने अपने खिलाफ सबूतों के बावजूद सभी दावों का खंडन किया। गोलमोल जवाब देने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब जबकि सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर तनाव में है कि उनका कार्यभार कौन संभालेगा। केजरीवाल या तो अन्य मंत्रियों के बीच कार्यभार वितरित करेंगे या एक नया डिप्टी चुनेंगे। आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन के रूप में बनाया गया था और अब जो हो रहा है उस पर लोग भ्रमित हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि यह आम आदमी पार्टी के खिलाफ भाजपा की साजिश है। उन्होंने दावा किया कि सिसोदिया निर्दोष है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सीबीआई के साथ मिली हुई है। भाजपा ने कहा कि उन्होंने सीबीआई के कामकाज में दखल नहीं दिया है और सीबीआई सिर्फ अपना काम कर रही है। इससे भारी अफरा तफरी मच गई। सच्चाई जानने के लिए हमें और अपडेट का इंतजार करना होगा। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दिल्ली के शासन के लिए बेहद अहम थे। उनकी अनुपस्थिति से अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली में अपने शासन के एजेंडे को लागू करने के लिए कोई मजबूत नेता नहीं है। क्या उसे नया डिप्टी मिलेगा? केजरीवाल फिलहाल सिसोदिया को जमानत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। यदि उसे जमानत मिल जाती है तो वह अपना कर्तव्य को जारी रख पाएंगे, यदि नहीं तो एक नया डिप्टी नियुक्त किया जाएगा। कितना शर्मनाक है कि
कि एक साल की अवधि में दो मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है। अब अपडेट का इंतजार करते हैं। हे, सुनिए, सेंसस का गूगल फॉर्म मैंने तो भर दिया है, आप भी जल्दी भरिए।